अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि तुम सब लोग खैरियत नाल हो। सो क्लास थर्ड सब्जेक्ट EVS है जी, और जरा टॉपिक जरा सबक अस पढ़ने हैं वो है जी एयर इज एवरीवेयर। ठीक है ना जी, इसका दूआ सवाल कर स दूआ पार्ट इसका बी पार्ट है ना जी। बी पार्ट इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि तला जेडे अल्फाज दिते ने ना जी। हाँ, फ्रैश, जेंटली, वेन, क्लीन, सिक, सीड्स है ना, ये अल्फाज दिते ने सन, ये आसान को के करने जी तला पढ़ने। ठीक है जी, तो पहला पार्ट है इसका ब्रीज इज द मूविंग विंड दैट ब्लोज जेंटली, यानी कि ब्रीज उस हवा को आके कहना है ना जिड़ी के आस्ता आस्ता टूटती हुआ है ना जी। हाँ, यानी कि जिड़ी आस्ता आस्ता हवा चलती है ना बच्चा, उसको क्या आते हैं जी, ब्रीज आते हैं। ठीक है ना, सेकंड पार्ट इज द वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर, यानी कि आसन को जरूरत है किसी भाई साफ हवा दी है ना। हाँ, साफ कहते आसन को साफ और ताजा हवा दी की होंगी है जी जरूरत होंगी है। ठीक है जी, त्रिया पार्ट इज द विंड दैट हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लॉथ्स, यानी कि कौन सी चीज ऐसी मदद करती है कि भाई ऐसे सूखे गीले कपड़े जड़े होने ना बचा सिने पले है ना, उनको सुखाए भी कौन मदद करती है जी, विंड हवा। ठीक है जी, विंड कैरीज द डैश डैश सीड द डैश डैश ऑफ प्लांट्स फॉर आ प्लेसेस, यानी कि हवा जड़ी होंगी है ये पौधे ने किड़ी चीज दूर दूर जहीं हाथ से खड़ दिया बचा सीड्स को है ना बचा। तो नंबर पांच है इसका ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन फॉल अस, यानी कि गंदी हवा गंदगी बदबूदार हवा अंदर के दे नाल असं की हो सकते हैं बच्चा, बीमार हो सकते हैं, तो उसको क्या आते हैं असं सिक। ठीक है जी, आज वास्ते इतना ही, कल असं अगले क्वेश्चन कर सा, खुदा हाफिज।